अमेरिका में कोरोना से तबाहकुन सूरत हाल, मोहलिक वायरस से मजीद 1528 अमवात, मरने वालों की तादाद 22,105 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 1,14,000 हो गयी। अमेरिका में कोरोना ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में मजीद 1,528 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की तादाद 22,105 तक जा पहुंची है। 5,60,300 अमरीकी आदमी वबा का शिकार हो चुके हैं। न्यूयॉर्क में सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। यहां 2,00,000 के करीब अफराद वायरस से मुतासर हैं, जबकि कोरोना से मरने वाले 42% अफराद का ताल्लुक न्यूयॉर्क से है। कोरोना से अमवात 1,14,000 हो गए हैं। खतरनाक वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 18.5 लाख से तजावज कर गई। बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 737 अफराद हलाक हो गए। कोरोना मुतासरीन की तादाद 10,612 तक पहुंच गई है। जर्मनी 3,011, नीदरलैंड्स 2,737, स्विट्जरलैंड 1,106, पुर्तगाल में 504 हलाकतें हुई हैं। फ्रांस से मजीद 561 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की तादाद 14,393 हो गई। 431 हलाकतों के बाद तादाद 19,899 तक जा पहुंची है। स्पेन में 603 अमवात के बाद तादाद 14,393 हो गई। मजीद 3,100 नए केसेस सामने आ गए, तादाद 1,66,000 से बढ़ गई। बेल्जियम में 254 अफराद दम तोड़ गए, मरने वालों की तादाद 3,600 हो गई है। ईरान में 117 जान से गए, मरने वालों की तादाद 4,474 हो गई। मजीद 1,657 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 31,646 तक जा पहुंची है। तुर्की में 24 घंटे के दौरान मजीद 97 अफराद जान बहक हो गए। हलाकतों की तादाद 1,198 हो गई है। मजीद 4,779 केसेस के बाद तादाद 56,956 हो गई है। सऊदी अरब में भी मजीद 7 अमवात के बाद कर्फ्यू गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में मजीद 43 हलाकतों के बाद मजमूई तादाद 331 हो गई है।